नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बनाएंगे मसाला पराठा। तो मसाला पराठा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम जितना चक्की फ्रेश आटा गेहूं का लिया हूं, और इसके अंदर जाएगा हरा प्याज, और इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा हरा मिर्च। आपके पास सूखा मिर्च है, सूखा मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मेरे पास एकदम हरा जीरा पड़ा था, तो हरा जीरा भी डाल सकता हूँ। और इसके अंदर ऐड करूँगा दही, थोड़ा दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं लीला धनिया भी ऐड कर देता हूँ, और मेरे पास चिली फ्लेक्स है तो चिली फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर बनाया था तो वो मैं जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। और थोड़ा सा नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिए ताकि स्वाद के अंदर अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा हल्दी, हल्दी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और खाने में भी कैल्शियम की कमी होती है वो भी पूरी हो जाएगी दोस्तों। और थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ ऑयल, ऑयल भी आप अपने हिसाब से 3-4 चम्मच जितना ऑयल ऐड कीजिए। और मेरे पास गरम मसाला था तो मसाला पराठा थोड़ा बना रहे, थोड़ा सा गरम करने के लिए गरम मसाला ऐड किया, और थोड़ा सा तेल ऐड कर देता हूँ ताकि अपना मिक्स अच्छा हो जाएगा और सेट अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। आपको आराम से मिक्स करना है, कोई अपन जो घर पे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे आटा लगाना, उससे थोड़ा हार्ड लगाना, इससे चलेगा। अपन पराठा के पालक पराठा बनाते हैं, अपन मेथी का पराठा बनाते हैं वैसे बनाते हैं, वैसे उस तरह से अपने को आटा लगाने का है। इसलिए अच्छी तरह से बहुत हार्ड पे नहीं, इस नॉर्मल आटा लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, वैसे आपको लगाना है। ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको आटा लगा रहा हूँ। इसको कोई 5-6-7 मिनट लगेगा आटा लगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको आटा को अच्छी तरह से लगा के 5 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के इसको ढक के रख देना है। 5 मिनट जितना हो गया, देखिए दोस्तों मैंने लोया भी अच्छी तरह से पाट दिया है। अब इसको एक एक करके अच्छी तरह से बेल देता हूँ। आपको कौन सी साइज पे बेलना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अच्छी तरह से एक एक करके इसको बेल देता हूँ। आपको गोल खाना है तो गोल गोल बना के भी आप खा सकते हो, तो लेकिन मैं त्रिकोण वाला अपन जो पराठा बनाते हैं घर पे नॉर्मल पराठा, सादा पराठा, वैसे मैं इसको एक साइड के फोल्ड कर देता हूँ, दूसरी साइड के फिर फोल्ड कर देता हूँ, उसके चौरस त्रिकोण जितना बना देता हूँ। देखिए ऐसे बना देता हूँ। आपको ये सब बनाने नहीं आता है तो आपको गोल भी पराठा बना के खा सकते हो। ऐसे अपने मेथी का पराठा बनाते हैं, वैसे भी आप बना के खा सकते हो। ऐसे दो तरीके से ये बनता है, तो मैं ऐसे बना के देता हूँ, डिजाइन में थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने ऐसे बनाया, एकदम नॉर्मल हाथ से बेलना है, कोई ज़्यादा वजन देने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी एकदम नॉर्मल हाथ से बेलोगे तो अच्छी तरह से बेल जाएगा। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको बेल दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से, इसको को टूटेगा भी नहीं। और मैंने ये आग चालू कर दिया है, तो इसके ऊपर हम एक एक करके इसको पका देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपन गैस पे बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, एक पराठा बनने सेकने में 5-7 मिनट जितना लग जाता है। तो इसके अंदर तो 2 मिनट के अंदर ये पराठा अपना अच्छी तरह से आराम से पक जाएगा। आग पे बहुत ही अच्छी तरह से पकता है और टेस्टफुल भी बनता है। तो मैं एक एक करके इसको ये पराठा सब अच्छी तरह से सेक देता हूँ। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छी तरह से आग भी चालू है और हमारा पराठा भी बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। तो आप आग भी बनाइए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खाने का मज़ा भी अलग आता है दोस्तों। तो आपको ऑयल ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच दोनों साइड ऐड कर सकते हो, तो ऑयल से बहुत ही अच्छा टेस्टफुल बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो देखिए मैं ऑयल भी थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छी तरह से फूल के हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पक गया है, ये 2 मिनट भी नहीं लगा है, अच्छी तरह से हमारा पराठा बहुत ही अच्छी तरह से पक गया। और देखिए देखिए आप आग पे बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, गैस पे भी बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। लेकिन अपने पास घर पे कुछ मसाला नहीं होता है तो ये अपन सब मसाला मिक्स करके भी अपन पराठा बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पराठा फूल गया है, बहुत अच्छा पक गया है। देखिए आप कलर भी बहुत ही अच्छा गुलाबी गुलाबी आया है, तो आप भी बनाइए तो बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। तो देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से पराठा पक गया है, कच्चा भी नहीं है इसका, देख रहे एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट पराठा बना होगा। ये एक हमने पका दिया है और इसको अब इसको निकाल देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तो देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। अपन पालक पराठा, मेथी का पराठा, पनीर पराठा, मैंने सबका उसको रेसिपी बनाया है, वीडियो भी ऐड किया है इसको बना के, वो भी आपने नहीं देखा। उसके पहले मैंने नारियल का पराठा बनाया था, वो भी बहुत ही अच्छा रेसिपी था, वो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल बनाया है। वो मैंने वो गैस पे बनाया था, ये मैं लकड़ी पे पराठा बनाया हूँ, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों बन रहा है हमारा, बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है। तो आप भी बनाइए, कभी कभी लकड़ी पे भी बहुत ही अच्छा टेस्टफुल बनता है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा दूसरा पराठा भी हमने
पका दिया। मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाऊंगा ताकि ये अब जल्दी जल जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर इसको अच्छी तरह से पक जाता है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। आराम से 2 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से हमारा बस सब पराठा बनाने में ले तो 10 मिनट जितना लगता है टाइम, 10 मिनट के अंदर ज़्यादा पराठा सब सेक जाएगा तो इसके अंदर 10 से 15 मिनट में सब हमारा पराठा अच्छी तरह से पक जाएगा। दोस्तों देखिए ये भी हमारा अच्छी तरह से पराठा पक गया है, बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए अपन आलू पराठा बनाते हैं तो फूलता है, तो ये सादा पराठा है तो एकदम अच्छी तरह से फूल कर रोटी जैसे फूल गया है। तो आप भी ऐसा बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। और नया रेसिपी में बहुत ही अच्छी तरह से दूसरा भी बहुत पराठा बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप देखते रहिए। और चैनल को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं दिया तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए ये हमने पराठा निकाल दिया है और इस एक करके सब मैंने पराठा बना दिया है, और इसको देखिए सब पराठा हमारा एक एक करके बना दिया हो। तो अब इसको तोड़ के देख लेता हूँ कैसा बना है। इसके आप दही के साथ भी खा सकते हो और आप दूध के साथ भी खा सकते हो। तो देखिए ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है दोस्तों। देखिए तो आपके भी बनाइए और खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।